दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत ज्ञान यूट्यूब चैनल। यहाँ पे मैं आपको कंप्यूटर रिपेयरिंग की वीडियोस बना के देता हूँ। आप कंप्यूटर चलाते हैं तो हिंदी टाइपिंग के लिए आप काफी परेशान हो गए होंगे इंटरनेट से उल्टे सीधे टूल डाउनलोड कर करके। आज मैं आपको काफी अच्छा टूल देने वाला हूँ, देखिए कैसे काम करता है। पहले तो मैं उसे इंस्टॉल करके दिखाऊंगा आपको, फिर उसके बाद काम करने के बारे में बताऊंगा उसका कैसे काम होता है। सबसे पहले आपको ये जिप फाइल मिलेगी, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गूगल से ये डाउनलोड होगा, गूगल ड्राइव से। अब डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, और अगर अब आपको जिप फाइल कुछ इस तरीके से आपके कंप्यूटर में दिख नहीं रही है, इस पे चैन लगी हुई है जैसे अभी, तो आपको क्या करना है, अगर चैन लगी हुई नहीं दिख रही है तो राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज पे आ जाना है और चेंज पे आना है फिर उसके बाद। और उसके बाद यहाँ पे आपको मोर एप्स कर लेना है। आपको क्या चीज ढूंढना है, यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर, जो विंडोज का ऑफिशियल फाइल एक्सप्लोरर है वो ढूंढना है। मैंने पहले से ही सिलेक्ट कर रखा है, कई लोगों का ये सिलेक्ट होता है, ऐसा बना आता है उनका, तो आपको ये सिलेक्ट करना है और ओके करना है, और फिर यहाँ से ओके करना है और फिर राइट क्लिक करना है। फिर एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन एक दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे चेक लगा होगा उसे हटा देंगे और एक्सट्रैक्ट करेंगे और देखेंगे एक सेम फोल्डर और बन जाएगा। अब इसमें से जिप हट चुकी है, अब इसमें क्या करेंगे, एंटर करेंगे आप और फिर एंटर करेंगे। आपको दो टूल दिख रहे होंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले जो है गूगल इनपुट टूल है, इस पे डबल क्लिक करेंगे और यस के लिए ऑप्शन आएगा तो यस कर देंगे। तो यहाँ पे जो पहले से ऑप्शन सिलेक्ट है वही सिलेक्ट रहने देंगे और फिनिश कर देंगे, और फिर उसके ऊपर वाला जो है उस पर भी क्लिक करेंगे और यस के लिए ऑप्शन आएगा, यस कर देंगे, और यहाँ पे जो पहले से सिलेक्ट है उसे सिलेक्ट रहने देंगे और फिनिश कर देंगे। जो पहले नीचे है उसे पहले करना है, जो ऊपर है उसे बाद में करना है, उसको पहले करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब इसके बाद आपका टूल कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया होगा। चलिए मैं अब आपको टाइपिंग करके दिखा देता हूँ। पहले तो मैं इंग्लिश में अभी कर रहा हूँ, जैसे भी कुछ भी लिख रहा हूँ तो अभी इंग्लिश में टाइप हो जा रहा है। हिंदी में करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक कमांड लगानी पड़ेगी इस टूल को एक्टिवेट करने के लिए, शिफ्ट प्लस आल्ट। अब जैसे मैं दोबारा से कुछ लिखता हूँ, तो जैसे मैंने लिखा राम, तो ये देखिए इस तरह से ये हिंदी में आ गया है। और इसी तरीके से कहीं भी आप टाइपिंग करेंगे तो ऐसे ही टाइपिंग हो जाएगी। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और कंप्यूटर रिपेयरिंग की वीडियोज आप लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को।